हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे डोडो टेक्निकल चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ टॉप 5 नॉन चाइनीज फोन अंडर 20,000 जो कि आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका यूज करके आप चाइना का प्रोडक्ट को बॉयकॉट भी कर सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले फोन की तरफ जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A50 और जिसका प्राइस सैमसंग ने 15,499 रुपीज रखा है। और साथ ही साथ इसमें हमें 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल देखने को मिलेगा, और इसका डिस्प्ले 6.4 इंच होने वाला है और फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन डिस्प्ले है। सैमसंग की तरफ से तो पता ही है, डिस्प्ले के मामले में तो सैमसंग से कोई आगे है ही नहीं। और कैमरा जिसमें बताया जा रहा है कि 25 MP और साथ ही साथ 5 MP और उसके साथ 8 MP का बैक कैमरा होगा, और उसमें फ्रंट कैमरा 25 MP लगा होगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन सेल्फी ले सकते हैं। अब जब बैटरी के बात आ रहा है तो बैटरी में भी सैमसंग पीछे नहीं है, उसमें लगा हुआ है 4000 mAh का बैटरी जो कि बहुत है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है एक्सोनोस 9610 का प्रोसेसर, जिसमें आप बहुत बढ़िया से गेमिंग भी कर सकते हैं, और ये फोन आपको डे टू डे लाइफ में कभी भी नाराज नहीं करेगा, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपने अगले फोन की तरफ जो कि नोकिया की तरफ से है, नोकिया 7.2, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका प्राइस 16,399 रुपीज है, और इसमें भी 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल लगा हुआ है, जिसका डिस्प्ले 6.4 इंच और इसका डिस्प्ले फुल HD+ है। और डिस्प्ले के मामले में तो ये सैमसंग से थोड़ा वीक है, पर डिस्प्ले बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर कैमरा की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 48 MP का बड़ा कैमरा जो कि बहुत बेहतरीन है, और 5 MP का साथ ही साथ वाइड एंगल कैमरा बैक में। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 20 MP का फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, जिसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं अपने फोन के सेल्फी कैमरे को ऑपरेट करने में। और साथ ही साथ इसमें लगा हुआ है 3500 का मिली एम्पियर बैटरी। प्रोसेसर की बात अगर करें तो इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, जो एक बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है, और अभी ये थोड़ा कुछ पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। अब आते हैं अपने अगले फोन की तरफ, तो वो है सैमसंग गैलेक्सी M21। अब इसका प्राइस के बारे में आते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो है 16,999 रुपीज। इसमें भी लगा हुआ है 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले लगा हुआ है, जो कि नोकिया 7.2 में है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों सेम है। अब अगर इसका बात करते हैं इसका कैमरा के बारे में, तो इसमें लगा हुआ है 48 MP का प्राइमरी कैमरा, और साथ ही साथ 8 MP का कैमरा और 5 MP का कैमरा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 20 MP का कैमरा लगा हुआ है फ्रंट में। सैमसंग के एम सीरीज में हमेशा ही बेस्ट बैटरी दिया जाता है, और जिसमें कि बताया जा रहा है कि इस M21 सीरीज में 6000 mAh का बैटरी होगा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बैटरी है, और आप इसे डे टू डे लाइफ में कितना भी यूज करें तो आप इसे खत्म नहीं कर सकते। तो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है नोनोस का 9611 प्रोसेसर, ऑक्टाकोर लगा हुआ है इसमें। और अगर फ्लिपकार्ट की रेटिंग की बात करें तो इसका रेटिंग 4.4 में है फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप ये फोन के बारे में सोच रहे हैं तो ये फोन मेरे तरह हिसाब से बहुत अच्छा फोन है, आप मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा आप अगर कोई बढ़िया फोन लेना चाहते हैं तो। अब आते हैं अपने अगले फोन की तरफ, असूस की तरफ से आ रहा है वो फोन जिसका नाम असूस जेनफोन 5Z है, और इसका प्राइस निकल के आ रहा है 16,999 रुपीज, जो कि एक बहुत बेहतरीन फोन होने वाला है। अगर इसके रैम और रोम की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 6 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज, जो कि बहुत है। और आज के हिसाब से अगर डिस्प्ले की बात करें इसका, तो इसमें भी लगा हुआ है 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले। यह फोन एक डुअल रियर कैमरा के साथ आता है, इसमें लगाया गया है 12 MP प्लस 8 MP का बैक कैमरा, और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा। और जानते ही है आप, असूस का फोन तो बेहतरीन होता ही है। अब अगर बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की, तो इसमें लगा हुआ है 3300 mAh का बैटरी, जो कि आज के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन खरीदना है और इस प्राइस रेंज में, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब प्रोसेसर की बात करते हैं असूस जेनफोन 5Z का, तो इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर में अगर आप गेमिंग करते हैं तो फिर पबजी ऐसा गेम आप हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे, और डे टू डे लाइफ में आपको कभी भी खराब महसूस नहीं होगा। अब आते हैं अपने आखिरी फोन की तरफ, जो निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से,
सैमसंग गैलेक्सी M31। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 16,300 रुपीज। तो अच्छा फोन है, प्राइस के हिसाब से ये फोन हमें बहुत चीज दे रहा है, जैसे कि इसका इसमें लगा गया है 6 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल। और अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें लगा गया है 6.4 इंच का डिस्प्ले, वो भी फुल HD प्लस डिस्प्ले। और इसे इसका अगर सबसे मेन हाईलाइटेड है तो इसका कैमरा, जो कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ आता है। और ये एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें दिया गया है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और जो दो कैमरे हैं वो है डेप्थ कैमरा और एक है 5 मेगापिक्सल का, तो दोनों वो 5-5 मेगापिक्सल का आता है। तो अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। और अगर इसमें अगर बैटरी की बात करें तो आप तो जानते ही हैं, M सीरीज का जो भी फोन है वो बैटरी में तो एकदम मॉन्स्टर ही है। और मॉन्स्टर से याद आया कि इसमें लगा गया है 6000 mAh का बैटरी जो है। और अगर आप इस फोन को यूज करते हैं तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। आप पबजी जैसा गेम हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर इसका प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें लगा हुआ है Exynos 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और अगर रेटिंग की बात करें तो इसका फ्लिपकार्ट में 4.5 का रेटिंग है, जो कि बहुत बढ़िया रेटिंग है। अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा YouTube में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि मोटरोला भी एक नॉन चाइनीज कंपनी है। तो दोस्तों ये एक गलत न्यूज है, मोटरोला जो कि लिनोवो के साथ मिल चुका है और वो एक चाइनीज कंपनी है। तो अगर आपको कोई यूट्यूबर के तरफ से बताया जा रहा है कि मोटरोला भी आप परचेस कर सकते हैं नॉन चाइनीज फोन के अंदर, तो उसे परचेस ना करें क्योंकि वो एक चाइनीज फोन है। तो दोस्तों मैं आपको मैं अपने ओपिनियन कुछ बता देना चाहता हूं, अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप सैमसंग गैलेक्सी A50 की तरफ जा सकते हैं। मैं इसे रिकमेंड करूंगा, आप इसे जरूर परचेस करें। अब अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी में आप खेलना चाहते हैं, बैटरी लाइफ भी बढ़ानी चाहिए और सब चीज अगर पूरा एक पैकेज चाहिए, तो आप जरूर मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी A31 को यूज करें। और मैं पर्सनली इसे यूज कर चुका हूं, तो मैं आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यूज करें। बाकी क्या अगर कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, कीप सेफ।